जय सच्चिदानंद निरुमा, एक प्रश्न है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि सिद्ध अवस्था पहुँचने के बाद क्या होता है, उसके बाद भगवान राम, भगवान महावीर और बहुत लोग, तीर्थंकर लोग पहुँच गए वहाँ पर, उसके बाद क्या होता है। दूसरा सवाल, आखिर कहाँ थे हम लोग, वो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और भगवान राम या भगवान महावीर कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम अपनी स्थिति में क्यों हैं अभी। ये तो कहा गया है कि पिछले जन्म के कर्मों से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, शुरू इन द वेरी बिगनिंग कहाँ से हुआ था। वहाँ पर हम सब लोग एक ही थे, भगवान राम, भगवान महावीर और मैं अनुराग दास, सब एक ही थे। ऐसा है, आप जो पहला दूसरा प्रश्न है आपका कि बिगिनिंग कहाँ से है हमारी, ऐसा है जो इटर्नल एलिमेंट है उसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती है। इटर्नल का मतलब क्या होता है, वो शाश्वत यानी इट वॉज, इट इज एंड इट विल बी देयर, उसका मतलब ही शाश्वत है, परमानेंट है। जो शाश्वत है उसकी बिगिनिंग नहीं होती है, समझ में आया आपको। आत्मा शाश्वत चीज है, अनात्मा में भी बहुत सारी चीज आती है, वो भी इटर्नल है। जैसे कि ये परमाणु है, जड़ तत्व जिसे कहा जाता है, वो भी शाश्वत है, इटर्नल है। इटर्नल एलिमेंट्स की कहीं बिगिनिंग नहीं होती है। ये अपने अपने फिजिकल साइंटिस्टों ने भी बहुत सारे रिसर्च करके पाया है कि कितने सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसको एलिमेंटल फॉर्म में जब वो आते हैं तब वो उसको क्रिएट नहीं कहा किया जाता है, ना उसका डिस्ट्रक्शन होता है, परमानेंट इटर्नल है। इन्होंने भी कितने सारे इटर्नल एलिमेंट्स ढूंढ निकाले, ज्ञानियों ने उन्होंने जो ढूंढे उसको तो एक ही जड़ तत्व में ही डाल दिया है, सारे जड़ तत्व में ही आते हैं, परमाणु है। और दूसरी इटर्नल एलिमेंट जो है वह हमारा आत्मा है, प्योर सोल, शुद्ध तत्व स्वरूप में है, वह शुद्ध आत्मा है। इसकी बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग लगता है कि कहीं तो बिगिनिंग हुआ है, यह बुद्धि का प्रश्न होता है, लेकिन यह यात्रा अनंत काल की है। अनंत मीन्स इन्फिनाइट, उसका कोई एंड नहीं है। और जड़ और चेतन दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है, पहले से ही है। यह ब्रह्मांड में दोनों एलिमेंट्स इटर्नल एलिमेंट्स है, पास पास में ही रहे हैं, कहीं वैक्यूम तो है ही नहीं। तो यहाँ जहाँ दोनों पास साथ में आ जाते हैं एक दूसरे के संसर्ग में, टच में, तो नियम है ऐसा कि दो एलिमेंट्स, साइंटिफिक लॉ क्या है कि दो एलिमेंट्स दोनों पास पास में आते हैं तो उसमें से तीसरा एलिमेंट भाष्यमान होता है, रियल में नहीं है लेकिन भाष्यमान होता है। जैसे कॉपर और गोल्ड दोनों का मिक्सचर है, लेकिन इसमें ना 100% प्योर कॉपर लगता है, ना 100% प्योर गोल्ड लगता है, लेकिन तीसरा ही लगता है। इसी तरह से हर एक जीव में जड़ और चेतन दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है, उसमें से मिक्सचर में तीसरा ही लगता है उसको, वो तीसरा एलिमेंट जो भाष्यमान होता है उसको अहंकार कहा गया है। अहंकार उसको डेवलप होते 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 हो, एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, फिर मनुष्य होता है। मनुष्य में आने के बाद उसमें भी फिर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन के बाद स्पिरिचुअल इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में फिर यह आता है कि रियल में मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है, इसका एंड क्या है,
रियल में, पर जब उसको अचीवमेंट होता है, वाइन रियलाइज होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, फिर यह जो इसको ये मिक्सचर सेपरेट होने लगता है, जितने जितने एटम्स उसको अटैच है वो निकलने लगते हैं और सारे एटम्स से छूट जाते हैं, केवल आत्मा ही रहता है केवल। तो ओनली आत्मा, अब्सोल्यूट आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा होकर वो ब्रह्मांड से पर जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, आपका पहला प्रश्न, मोक्ष में और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो उस आत्मा को अटैच हो सके। लोक और अलोक, ब्रह्मांड का एंड और सिर्फ आकाश, लोकाकाश कहते हैं, अलोकाकाश एंड लोकाकाश, तो दोनों के जॉइंट में ही ये सारे आत्मा विराजमान है, सिद्ध मुक्त हुए आत्मा। फिर वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि राम का आत्मा है या महावीर का आत्मा है या किस, नो डिस्क्रिमिनेशन, सब सरीके, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इन एलिमेंटल फॉर्म प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, कोई फर्क नहीं है उसमें। फिर कल मिले थे आप, समझ में आया ना आपको? न समझे तो पूछो। हाँ, थोड़ी सी शंका और है। हाँ बोलो। जब आत्मा इटर्नल है और जड़ तत्व और चेतन तत्व दोनों इटर्नल हैं, तो फिर किस कारण से हम यहाँ पर हैं, अनुराग यहाँ पर है, आप में आत्मज्ञान है, साक्षात आत्मज्ञान है, दादा भगवान आत्मज्ञानी हो गए, ज्ञान पुरुष हो गए, लेकिन हम यहीं कहीं पर हैं, क्या कारण है, कहाँ से ये, हमने क्या किया जब हम लोग, हम अनुराग दास या आप या दादा भगवान, जब दोनों दो जड़ से और कॉन्शियस चेतन तत्व से दोनों बने हैं, तो कहाँ पर अंतर आ गया जिससे कि अनुराग दास यहीं पर हैं और दादा भगवान ब्रह्मज्ञ हो गए और ज्ञान पुरुष हो गए, क्या कारण हुआ, कहाँ से हुआ? अभी जो हमारी स्थिति है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पिछले कई कई जन्मों के कुसंस्कार या संस्कार के अच्छे संस्कार के कारण हमारी ये स्थिति है और हमारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है आत्मा का, इसलिए हमारी आत्मा पूर्ण प्रकाशित नहीं हुई है। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। नदी होती है ना, नदी द बिगिनिंग ऑफ नदी होती है ना, वहाँ देखो वो बहुत छोटी रहती है, कूदती उछलती रहती है और उसमें बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर भी आते हैं बीच में, तोड़ती है, फेंकती है आगे, वो पत्थर है ना उसमें स्टोन, बड़े बड़े स्टोन्स बड़े बड़े रहते हैं, उसके फोर्स में आगे बहते जाते हैं बहते जाते हैं, एक दूसरे को स्टोन से तो टकराते हैं और उसके टुकड़े होते होते छोटे छोटे होते 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 होते, और नदी भी जैसे बड़ी होती जाती है उसको भी और कितनी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती जाती है, फिर जब दरिया के पास आती तो वो भी बहुत शांत और गंभीर हो जाती है, फिर उसमें आप देखो उस जगह पे आपको बड़े बड़े स्टोन्स उछलते कूदते कुछ नहीं दिखेंगे, और जब एंड आता है ना दरिया में मिलती उस जगह पे आप देखो तो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इतने स्मूथ होते हैं, लोग उसको शालिंग्राम बोल के ले आते हैं और देवघर में रख के पूजा भी करते हैं, कोई ऐसे स्टोन्स इतने इतने स्मूथ हो जाते हैं, वो किसी से एक दूसरे को टकरा के एक स्टोन का संजोग दूसरे स्टोन से, नदी के पानी के प्रवाह के संजोग से, अभी इसमें कोई पत्थर का कोई स्वतंत्र
पुरुषार्थ नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन सर्कमस्टेंसेस. जिसको किसी को कौन सा सर्कमस्टेंस मिल गया उसका कोई निशा ठिकाना नहीं है. तो यह नियति के प्रवाह में अनंत जीव इसी तरह से बह रहे हैं अनंत काल से. ये कुछ छोटे से समय की बात नहीं है, 10,000 के, 50,000 के, 5,00,000 के, 10 करोड़ की बात नहीं है, अनंत काल की बात है. कल्पना के बाहर के समय है. कितने इस उतने काल में उसको कितने सारे संजोग मिले हैं आत्मा को, अपने ही आत्मा को. अनंत सर्कमस्टेंसेस आते हैं. एक ही मिनट में आपको कितने सारे संजोग आते हैं, एक घंटे में आपको इन्यूमरेबल असंख्य संजोग आ जाते हैं, सूक्ष्म स्थूल वाणी के काउंटलेस होता है. ये सब सर्कमस्टेंसेस है. इसमें किसी का कोई इसका कंट्रोल करने वाला नहीं है. नोबडी इज़ कंट्रोलर. संजोग के हिसाब से दो एलिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं संजोग. आत्मा तो का वही है आपका, वही, उसमें कोई फर्क नहीं है. लेकिन बाहर के जो जड़ तत्व के संजोग है वो बदलते जाते हैं. और जैसे संजोग बदलते हैं, क्षेत्र बदलता है, प्लेस बदलती जाती है, टाइम बदलते जाता है, द्रव्य बदलता है, यानी परमाणु जो है द्रव जड़ तत्व परमाणु का बना, परमाणु हमेशा बदलते जाते हैं. तो फिर इसके हिसाब से भाव भी बदलते जाते हैं. फिर भाव के फिर विषय सर्कल चालू रहता है. इस भाव बदलते हैं, क्षेत्र बदलता है, द्रव्य बदल, टाइम बदलता है, प्रवाह चलते ही रहता है. टाइम ऐसा है कि कभी उस पॉज नहीं लेता है. इसी ये प्रवाह चलता ही अनादिकाल से. अभी इस नदी के प्रवाह में सारे पत्थर ही थे, लेकिन कोई एक्सेप्शनल पत्थर, कोई बहुत थोड़े पत्थर हैं जो टकरा के उसको ऐसे संजोग मिल जाते हैं कि वो शालिग्राम हो जाता है. उसको देवबल के लोग पूजा करते हैं और बाकी के सारे जाते हैं दरिया में. रेती होती है, मट्टी होती है, फिर पूरा साइकिल रिसाइकल होते रहता है. इसका इस प्रवाह में बहना किसी का बस, किसी के बस की बात नहीं है. कोई इसका कंट्रोलर नहीं, कोई नहीं. ओनली सर्कमस्टेंसेस है. हाँ, जिसको जैसे सर्कमस्टेंसेस मिले उसमें उसने जैसा जैसा उसका यूज़ किया, उपयोग किया, उस पर आधार होते जाता है. पर उसमें भी वो भी सहजी है, साहजिक है. जब मनुष्य में आता है तब थोड़ा डेवलप होता है तो उसके सर्कमस्टेंसेस मिलने जाते हैं. उसमें अहंकार आता है, मनुष्य में अहंकार आता है, बुद्धि आती है. वो भी जैसे सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं उस हिसाब से उसका अहंकार बुद्धि डेवलप होते जाती है. कहीं उसको अगर ज्ञानी का संयोग सर्कमस्टेंसेस मिल जाए तो यह प्रवाह है, इस प्रवाह में से उसको बाहर निकाल देते हैं ज्ञानी. और दरिया में जाने के बजाय मोक्ष में ले जाने का रास्ता बता देते हैं. समझ में आया आपको? ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस. कोई इसमें करता नहीं है. नोबडी इज डूअर ऑन दिस अर्थ. इंडिपेंडेंसी किसी की नहीं है. और सर्कमस्टेंसेस, एक सर्कमस्टेंसेस के हाथ में कुछ भी नहीं है. कितने सारे सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे को हेल्प करते हैं,
और कभी अपोज भी करते हैं, नलीफाई करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट आती है. डिपेंड्स ऑन हाउ द सर्कमस्टेंसेस वन गेट्स. भ्रांति से ऐसा लगता है कि जो कोई सर्कमस्टेंस सामने आता है तो ऐसा लगता है इसने किया, इसने किया, इसने किया. नोबडी इज इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग. दे आर वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस. इंडिपेंडेंट वर्शिप किसी की भी नहीं है. संयोग के धक्के से सब चल रहा है. आप रास्ते में कार चलाते तो पिछली कार ने आपको ठोक दिया, आपने पिछली कार वाले को गाली दी, पिछली कार वाला कहता मैं क्या करूँ, मेरे को पीछे वाले ने ठोका. उसके पीछे वाले को पूछा तो कहे मेरे को मेरे पीछे वाले में चेन है सब. निरुमा एक और शंका है, कृपा करके बताइए. व्यवस्थित शक्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं है. मान लीजिए कि हम भगवान राम की पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा कष्ट दूर हो जाए. कष्ट दूर हो जाए जी, तो वो भी व्यवस्थित शक्ति के अंदर ही आती है. तो व्यवस्थित शक्ति पर किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो भगवान हो, कितने भी ब्रह्मज्ञानी हो, कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर चुके हों. बराबर है. हम तो प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा मन स्थिर होए. व्यवस्थित शक्ति पहली आपदा का आपका जो बात है ना फर्स्ट, कि हम जब कष्ट आते हैं तब भगवान की प्रार्थना करते हैं. उसका वो प्रार्थना से आपका मन स्थिर होता है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते. आपके कर्मों पर उनका, भगवान का, किसी का कोई अधिकार नहीं है. और ना तो व्यवस्थित शक्ति पर कोई और चीज़ का अधिकार हो. व्यवस्थित शक्ति मीन्स व्हाट? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. सब संजोग इकट्ठे होते हैं, सारे संजोग इकट्ठे होते हैं, और जो रिजल्ट आता है एंड रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट को ही व्यवस्थित कहते हैं. सर्कमस्टेंसेस तो नेचुरली कुदरती चलते ही रहते हैं, आते रहते हैं, और जब सब मिलके जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को व्यवस्थित कहा गया है. किसी का इस पर अधिकार नहीं है. कोई एक सर्कमस्टेंस कहेगा कि भगवान कहेंगे कि मेरा, भगवान यानी परमात्मा शुद्धात्मा, वो कहेंगे कि मेरा आप सर्कमस्टेंसेस पर कंट्रोल है, तो सब संजोग हट गए बाजू में. भगवान अगर रॉक मारने लगे ना, शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा और तो कोई नहीं, वो अगर रॉफ मारने लगे ना कि मेरे से होता है, मैं ही करता हूँ, मेरे से ही है, तो सब संजो कहेंगे चलो हम सब निकल जाते हैं, करो आप. भगवान क्या कर, आत्मा क्या कर सकता है? वो क्या घंटड़िया बजाएगा? उसके पास कोई क्रिया नाम का गुण ही नहीं है. उसका रॉफ नहीं चलेगा. अगर सर्कमस्टेंस जड़ था तो सर्कमस्टेंस से संजो कहेंगे कि नहीं मेरे से ही होता है, मैं ना हूँ तो कुछ नहीं होगा. तो भगवान कहते चलो हम हट जाते हैं, तो किसके लिए करेगा, क्या करेगा? सब एक भी सर्कमस्टेंस कहेगा मेरे से हुआ तो भी गलत है. किसी का रॉफ नहीं चलता है. यहाँ कोई ऊपरी नहीं है. यह व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान जिसको बराबर फिट हो गया ना हमारे जैसे को, तो दादा भगवान फाउंडेशन का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन इसमें कोई ऊपरी नहीं है.
हम भी नहीं है। रॉक मार, हम रॉक नहीं मारे तो फिर और कौन मारेगा? क्या डिंपल मारेगा, संजय मारेगा? वो शशि भाई मारने गए तो हम एक मिनट में काट डालेंगे। हम ही नहीं है, कोई ऊपरी नहीं है, व्यवस्थित सब कर रही है, कौन करने वाला रहा? हु इज डूअर? कोई डूअर ही नहीं है तो फिर ये थाट ही नहीं आएगा कि मैंने किया, कि इसने किया, कि उसने किया। नोबडी इज, कोई ऊपरी नहीं है, अपर हैंड कोई है ही नहीं, भगवान भी नहीं है। भगवान तो फंसे हुए हैं इन सारे सर्कमस्टेंसेस में, उसमें से निकलने का तो ये पुरुषार्थ लगा हुआ है, सब कर रहे हैं। ये स्थूल योग एंड सूक्ष्म योग दे बोथ आर वाणी के पराधीन है, तो इसका एक्सप्लेन कर सकेंगे आप? स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग और वाणी के संजोग पर है और पराधीन है, यानी सारे संजोगों को तीन में डिवाइड कर दिया है। दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। स्थूल संजोग यानी फाइव सेंसेस से हम अनुभव में ले सकते हैं, अनुभव में आते हैं ना, उन सबको स्थूल संजोग कहा जाता है। आँख से देखा जाए, कान से सुना जाए, नाक से सूंघा जाए, जबान से, ये सब स्थूल संजोग है, स्पर्श। फिर आते हैं वाणी के संजोग, स्पीच, जो स्पीच से आती है ना, हम किसी को बोलते, कोई हमको कुछ बोलता है, ये सब वाणी के संजोग हैं। और मन के संजोग सूक्ष्म है, बुद्धि चित अहंकार, ये सब सूक्ष्म है। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह मत्सर ईर्ष्या, ये सब अंदर के सब रॉन्ग बिलीफ, यह सब सूक्ष्म संजोग है। तो यह पर है यानी हमारे आत्मा से अलग चीज है, आत्मा स्व है और ये सब अलग संजोग, अलग पर है। और पराधीन है यानी हमारे स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, दूसरे दूसरा दूसरे किसी के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है, यानी सर्कमस्टेंसेस व्यवस्थित शक्ति हमारा कंट्रोल नहीं है उन तीनों कोई भी संजोग पर, हमसे अलग है और हमारा कंट्रोल के बाहर है, पराधीन है।